हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट बनने वाला स्नैक्स पास्ता, जो कि आप लंच में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं और टेस्टी भी लगता है। इसके लिए मैंने पानी उबाल लिया है, उसमें 150 ग्राम पास्ता डाला है और नमक और तेल डाल के देखिए जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसे उतार कर छान लें और एक बार ठंडे पानी से धो लें। अब इधर मैंने सब्जियाँ काट ली हैं, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और 2 हरी मिर्च लिए हैं। और एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें तेल डालें, 1 चम्मच अदरक और लहसुन बारीक काट कर डाला है, उसके बाद हरी मिर्ची और प्याज डालकर भून लिया है। जो सब्ज़ियाँ पकने में टाइम लेती हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, उसे हम पहले डालकर भून लेंगे। थोड़ा सा सौते करने के बाद पत्ता गोभी को भी ऐड कर देंगे, हल्का भून लें। अब इसमें सॉसेस डालेंगे, टोमेटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं बनाऊँगी। पास्ता डालकर मिक्स कर लें। आप इस पे पास्ता मसाला, मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। मैंने नमक और ब्लैक पेपर डालकर मिक्स कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर दें, चला के और सर्व करें। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। आप बच्चों को लंच में दीजिए, शाम का स्नैक्स में दीजिए, और वेजिटेबल खिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, झटपट खा भी लेते हैं बच्चे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।